नमस्कार प्यारे किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देसी जमींदार पे। तो किसान साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए फार्म ट्रैक 60 बेस मॉडल और टॉप मॉडल के वेरिएंट में जो डिफरेंस हैं वो हम आपको इसके अंदर बताएंगे, कितना प्राइस डिफरेंस है और क्या इसके अंदर फीचर्स के अंदर डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो किसान साथियों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फार्म ट्रैक 60 के बेस मॉडल से। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटे का निशान इसको दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो किसान साथियों, ये फार्म ट्रैक के दोनों ही जो वेरियंट हैं, ये फार्म ट्रैक क्लासिक प्रो EPI 60 T20 गेयर बॉक्स के साथ में है। ये जो हम इसकी डिटेल्स में बात करते हैं तो ये है वो बेस वेरिएंट है और जो ये है ये इसका टॉप वेरिएंट है। एक इनका बीच का भी वेरिएंट आता है, उसके अंदर क्या है कि आपको 14 के ही टायर मिलते हैं लेकिन जो PTO है वो हैंड क्लच के साथ में मिल जाता है। तो वो हम डिटेल्स हैं वो इसी के जो टॉप वेरिएंट है इसी में बता देंगे कि बीच में एक जो वेरिएंट है उसका क्या प्राइस है और कितना उसके अंदर चेंजेस हैं। तो किसान साथियों, ये जो बेस वेरिएंट है इसके अंदर फ्रंट टायर हैं वो 7.5-16 के हैं, रियर टायर हैं वो 14-9-28 के हैं। तो जो क्लच है वो आपकी क्लच है वो इसमें मतलब दोनों क्लच एक के ही अंदर है, PTO और जो आपकी गियर की जो क्लच है वो दोनों एक के अंदर ही है। तो आप जो जैसे आप नॉर्मल ट्रैक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं, T20 गियर बॉक्स मतलब ये 20 गियर के साथ में आता है, 10 फॉरवर्ड में और 10 इसके अंदर जो है वो 4 फॉरवर्ड हैं और एक रिवर्स है। तो अगर आप टोटल बात करें तो 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर के साथ में ये आपको मिलता है। तो अगर हम बात करें तो साइलेंसर का है वो हीट गार्ड दिया हुआ है, जो ड्राइवर की कंफर्टनेस के लिए भी इंजन का हीट गार्ड है, वो ड्राइवर की लेग हैं जो ताकि गर्माहट है वो इसके पैरों तक ना पहुंचे वो इसके अंदर दी हुई है। 55 हॉर्स पावर का जो है वो 3-सिलेंडर इंजन कंपनी ने दिया है। हैवी बम्पर है वो फ्रंट में दिया है जो कि इसके लुक को और एनहेंस करता है। फ्रंट हेलोजन हेडलैम्प्स दिए हैं, साथ में आपको LED DRLs हैं जो वो बाहर की तरफ दिए हैं ताकि रात को इसका लुक है वो अलग लगे। इसके अंदर जो है आपको वेट एयर क्लीनर दिया गया है, साइलेंसर है, हैवी साइलेंसर लग रहा है और जो पावर स्टेयरिंग है वो ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग है जो सिंगल सिलेंडर के साथ में ही ड्यूअल रोड के साथ में आता है। सिलेंडर सिंगल है लेकिन ड्यूअल एक्टिंग है मतलब रोड दोनों साइड लिंक कनेक्टेड है। उसके अलावा फ्रंट में लुक को एनहेंस करने के लिए सेम यहाँ पे ग्रिल दी हुई है क्रोम में, 60 और फार्म ट्रैक की बैचिंग है ये भी क्रोम के अंदर दी है। केयर 24/7 डायरेक्ट मतलब यहाँ पे जो केयर है का उसका बटन है वो दिया गया है बोनट को, सिंगल पीस बोनट में है ये आपको मिलता है। उसके बाद जो गियर बॉक्स है ये आपका 4+1 का हो गया है, वहाँ पे हाई लो हो गया है और वो आपका जो थर्ड है जो T20 इसको बनाता है वो सी गियर मतलब ABC 3 गियर में ये आपको मिलता है। सेम यहाँ पे जो हाइड्रोलिक लिफ्ट के हैं वो ड्राफ्ट और जो पोजिशनिंग के लीवर्स हैं, LED जो लाइट्स हैं वो इसके अंदर दी गई हैं, 14-9-28 के जो टायर हैं वो दिए हैं, एपिक साइक्लिक टाइप का जो इसका हिस्सा है पिछला वो दिया गया है। दोनों ही ट्रैक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फरवरी 2021 है जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं। 5 साल की जो कंपनी है वो वारंटी दे रही है इसकी। पिछली जो है लाइट्स हैं जो इसकी ब्रेक लाइट वगैरह हैं ये सारी LED लाइट्स हैं, ये आपको रात में अगर आप काम करते हैं तो आपको लाइट अलग से कंपनी ने दी हुई है। उसके अलावा टापलिंग है और जो पीछे का हुक है वो काफ़ी हैवी दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यही किसान साथियों इसके टॉप वेरिएंट में, तो इसके अंदर जो बेसिक चेंज हैं वो आपको जो टायर हैं इसके अंदर मिलते हैं 14 के टायर, इसके अंदर आपको 16 के टायर मिलते हैं। सेम बाकी इसके अंदर कोई भी चेंज आपको जो नज़र है वो नहीं आ रहा है। बाकी अगर हम देखें तो इसके बीच में यहाँ पर जो गैप है टायर्स और इसके लिफ्ट वाले के बीच में वो बहुत कम है, शायद ये सेटिंग से हो जाए सेट, लेकिन अभी अगर हम देख रहे हैं तो ये बहुत कम हाँ हो जाता है ना, ये अभी वैसे ओपन है इस वजह से ऐसे हमें लग रहा है। तो इसके अंदर जो पहला चेंज तो है वो है इसके टायर्स का, टायर इसके अंदर 16 के दिए हुए हैं कंपनी ने। उसके बाद अगर हम इसके अंदर दूसरे चेंज की बात करें तो इसमें हैंड जो हाथ से क्लच ऑपरेट होती है PTO शाफ्ट की वो इंडिपेंडेंट PTO इसके अंदर कंपनी ने दी है। उसके बाद अगर हम इसके थर्ड चेंज की अगर बात करें तो इसके अंदर ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है जो कि इसके अंदर ही दिया हुआ है, उठाइए उसको, तो ये ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है जो कि इसके अंदर ही कंपनी ने दिया हुआ है, सिंगल पीस बोनट में है,
दो सिलेंडर्स लगे हुए हैं ताकि किसान को उसको ऊपर उठाने में और होल्ड करने में आसानी हो। तो ये जो है इसको आप अगर ऐसे प्रेस करके छोड़ते हैं तो ये सिलेंडर की सहायता से अपने आप ऊपर जाके ही कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे जो इसका आई केयर का बटन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे आप कस्टमर केयर को प्रेस करके रखेंगे तो डायरेक्ट कस्टमर केयर से आपको यहीं पे कॉल आएगी और आप उनसे आपकी जो भी परेशानी दिक्कत जो भी आपको इसके अंदर फेस हो रही है वो उनसे कंसर्न कर सकते हैं। थ्री सिलेंडर जो बोस का इनलाइन पंप है वो दिया है, डीजल फिल्टर वगैरह सारे इसके अंदर फिल्टर्स दिए हुए हैं, कूलेंट है, कूलेंट का लेवल इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम लिखा हुआ कि कितना आपको इसके अंदर मेंटेन करके रखना है। तो बेसिक जो इन दोनों ट्रैक्टर्स के बीच में जो चेंजेस हैं वो तीन चेंज हैं, एक तो ड्राई टाइप एयर क्लीनर का, उसके अंदर वेट टाइप का एयर क्लीनर है आप देख रहे हैं, दूसरा इसके अंदर 14 के टायर हैं, इसके अंदर 16 के टायर हैं, तीसरा है जो इसमें इंडिपेंडेंट पीटीओ है उसमें जो आप नॉर्मल पीटीओ है वो है। तो यही इनके अंदर फ़र्क है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 7,37,000 रुपये बेस वेरिएंट का, इसका जो एक्स शोरूम है वो 7,80,000 रुपये है। बाकी जो फाइल चार्ज वगैरह 20-24 लोन वगैरह के चार्जेज होते हैं वो इनसे एक्स्ट्रा रहते हैं। तो जो इनका एक बीच में टोटल जो 60 में तीन वेरिएंट है, तीसरे वेरिएंट में आपको यही ट्रैक्टर मिलेगा, इसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पीटीओ ऐड हो जाती है जिसका एक्स शोरूम प्राइस 7,47,000 रुपये है। तो वो 10,000 रुपये में आपकी इंडिपेंडेंट पीटीओ अगर कोई उसको लेना चाहता है तो इसी में उसको ले सकता है। इस ट्रैक्टर का जो किसान भाई इसकी आपकी कपास की खेती नहीं करते हैं उनके लिए ये ट्रैक्टर मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, और जो कपास की खेती करते हैं उनको 16 के टायर में क्या दिक्कत आएगी कि वो आपकी जो कपास की फसल है उसको तोड़ेगा, क्योंकि ये इसकी विड्थ है वो 14 वाले टायर से ज़्यादा रहती है। तो सिर्फ एक यही ड्रॉबैक है 16 और 14 के टायर्स का। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।